दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जयपुर की है वो 2022 की जो पेपर है वो यहाँ ओल्ड पेपर में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ LLB सेकेंड ईयर के। तो अभी हमारा है वो पेपर नंबर होगा 3.2.3, ये आपका पेपर नंबर होगा। इसमें यहाँ पे आपका पेपर का नाम होगा वो होगा TP एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है, ये आपका एक्ट है, सॉरी आपका पेपर है। अब हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन। तो मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि आपके सामने पांच यहाँ पे यूनिट आएगी, इकाई आएगी, उनमें से आपको दो में से एक क्वेश्चन आपको करना है। दोस्तों मैं थोड़ा गला ख़राब है, थोड़ा बीमार हो रखा हूँ, बुखार वगैरह, तो मेरी आवाज़ में कोई भी त्रुटि आती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा बीमार हूँ बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से, इसलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा था। तो आप सोचा कुछ बना दूँ आपके लिए, मेरे पास पड़े हुए हैं, फिर मेरे पास पता नहीं डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि दो इकाई आती, इकाई पाँच आती है, एक इकाई में आपको दो क्वेश्चन करने हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन बात करते हैं तीन नंबर के पेपर में, और पेपर आपका TP एक्ट का, संपत्ति अंतरण अधिनियम का, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है कि संपत्ति का अर्थ क्या होता है, उसके प्रकार क्या है और उसकी क्या क्या अवधारणा है वो आपको बतानी है। दो नंबर आपका क्वेश्चन है कि संपत्ति के अंतरण भुगतान नहीं किए जाने व अपंजीयन के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। दो क्वेश्चन हो गए, दोनों में से आपको एक करना, अगर आपको पहला आता है तो आप पहला कीजिए, दूसरा क्वेश्चन है कि आपने दोनों एक इकाई में कर दी तो उसके आपके नंबर है वो कट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे तीन नंबर का है कि अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि क्रमबद्ध एवं अभिधाय के सिद्धांतों को समझाइए, और इन दोनों में टकराव की स्थिति में कौन सा अधिभाव होगा वो भी आपको बताना है। दोस्तों मैं यहाँ पे वो सारे जो पेपर मेरे पास है वो मैं सब नहीं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी टाइम का हो जाता है, 15-20 मिनट या फिर 30 का भी हो सकता है, तो मुझे पता है कि आप लोग नहीं देखते हैं, आप थोड़ा बहुत देखते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि मेरा वीडियो का पूरा वो किया करो, बता दें बीच में मैं आपको क्या चीज़ बता दूँ जो आपके लिए बेनिफिट हो उसका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो आता है पाँच नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि विक्रय क्या होता है, व्हाट इज सेल क्या होता है, और क्रेता और विक्रेता के अधिकार और कर्तव्य आपको बताने हैं। विनिमय क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है वो भी आपको बताना है। अगर आप BCom के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा इसके बारे में कि विक्रय क्या होता है, क्रेता कौन होता है, विक्रेता कौन होता है, तो आप इसको कर सकते हैं। एक्सचेंज को भी आप कर सकते हैं, अगर आप बैंकिंग लाइन में तो आप इसको कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए, बंधक को परिभाषित कीजिए, बंधक धन का भुगतान न करने की दशा में गृहीता को क्या उपचार उपलब्ध है वो आपको बताने हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि पट्टे को परिभाषित कीजिए, पट्टा क्या होता है, ठीक है। जब्ती एवं जब्ती के विरुद्ध उपचार से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। इसमें दोस्तों यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन एक साथ डाल दिया, आपको करने हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है कि अनुयोज्य दावों को परिभाषित कीजिए, और वाणिज्यिक व्यवहारों में है उसके इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको बतानी है। अगला है कि सुखाधिकार को परिभाषित कीजिए, सुखाधिकार क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसे समाप्त कैसे किया जा सकता है वो भी आपको बताना है। लाइस जो ये सुखाधिकार, आप इसका दोस्तों आराम से अनुमान लगा सकते हैं, सुखाधिकार सुखाधिकार जिसे हमें सुख मिलता है वो सुखाधिकार, जैसे रोशनी आ रही है तो ये सुखाधिकार है, ऐसे आपको इसमें बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप एग्ज़ाम में इसको आराम से कर पाओगे, इसको आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में दोस्तों आ सकता है फिर से। नेक्स्ट यहाँ पे कि लाइसेंस क्या होता है, ये दोस्तों क्वेश्चन मेरे हिसाब से कम ही आएगा, बाकी इसको एक बार देख लेना। खंडनीय व अखंडनीय लाइसेंस क्या है, पट्टा और लाइसेंस में क्या अंतर है बताइए। तो 10 क्वेश्चन हो गए, इनमें से 9 नंबर का क्वेश्चन फिर से रिपील हो सकता है, पट्टा वाला यहाँ पर आ सकता है, विक्रय वाला यहाँ पे फिर से रिपील हो सकता है, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है संपत्ति क्या होती है इसके बारे में आ सकता है, और बाकी तो इसमें
मुझे कुछ अच्छा लगा नहीं जो आने वाला है, बाकी मैंने आपको बता दिया, बाकी मोस्ट मैं आपको बता दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ जितने भी सारे LLB सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको इस वीडियो को सेंड कर दीजिए, जिनसे वो अपने सीरीज में बुक के अंदर है 2023 के क्वेश्चन लगा सके। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।